हमारे साथ अलीगढ़ के डीएम हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम यहाँ पे आज हमने अभी थाने पे भी जाकर के सिचुएशन को देखा और यहाँ पीड़ित परिवार से भी हम मिले हैं, तो उनसे बात हुई और बहुत अच्छे माहौल में हमारी इनसे बात हुई है। कुछ लोग जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इनसे बताया कि इनसे लोगों से आप सावधान रहें, तो बहुत अच्छे और सार्थक माहौल में महिलाओं से भी पुरुषों से सबसे बात हुई है। और जो इनको प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए, जैसे हमने अभी लोकली अपने कुछ फंड से 3 लाख रुपए की मदद इनको अभी कहा है, जो कल हमारे SDM ले आकर चेक इनको दे जाएंगे। पहले सांसद जी ने दिया था पर उन्होंने गुस्से में उसको अपने पास रख लिया था, अब हम उसको 1 लाख रुपए और बढ़ा करके उनको दे रहे हैं। हमने शासन को भी रिकमेंड किया है कि पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये लोग अपना इनका उसका बोरिंग का बिजनेस है, वो करके अपना वो करते हैं, मजदूरी करते हैं। और जहाँ तक अभी SSP से मेरी वार्ता हुई है, उसमें इस केस में जो 4 मेन अभियुक्त हैं, पहले 2 को इन्होंने भेजा था जेल, आज 2 को और इन्होंने गिरफ्तार किया है। तो इसमें जितने मैक्सिमम जो घटना में थे और जिन्होंने उसमें सहयोग किया था, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और जिसका नाम आएगा उसमें भी कार्रवाई। कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं परिवार? नहीं, शांति कुछ है, इस तरह के लोग होते हैं गाँव में, जब कोई घटना हो जाती है तो वो उसमें मजा लेने लगते हैं। तो मैंने इसीलिए उनको सीधे अपना नंबर दिया कि अगर आपको कोई बात होती है मेरे से सीधे बात करिए, कोई कठिनाई है मेरे से सीधे बात करिए। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमने अपने स्तर से RAF के लिए भी कह दिया, RAF का डिप्लॉयमेंट, PSC का डिप्लॉयमेंट है, मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, हमारे ADM फाइनेंस और ADME 2 अधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं, SDM में SDM कह रहे हैं, SDM कमाना, SDM ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बड़ा स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस तरह करने की कोशिश है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि पीड़ित पक्ष की जो बात है, जो विक्टिम है, उसको हम पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी हर बात को तवज्जो देते हुए जितना भी इस केस में गहराई पे जा सकते हैं वो कार्रवाई हमने की है। इस घटना को लेकर मैं एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर रहा हूँ, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी मैं कराऊंगा, और जो दोषी पुलिस वाले होंगे या कोई भी होगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 1 महीने में मैं भी SDM खैर को ही ऑर्डर कर दूंगा कि ये अपनी इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसकी तो कर लेंगे। और फर्दर अगले 1-2 दिन में जो इस तरह की बातें हैं उसको, अफवाहों को रोकने के लिए हम सख्ती से सख्ती, सोशल मीडिया में भी मैंने कहा है कि हर सोशल मीडिया में हमारा जो अपना DM आरूम काम करता है उसमें सारे सोशल मीडिया में लोग हैं, कुछ फेक नंबर से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उनके भी नंबर हमने सर्विलांस पर लगाए और सख्ती से कार्रवाई होगी। तो किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित परिवार के हम पूरी तरह साथ हैं, इस घटना में इस बच्ची से पूरी सहानुभूति है, और मुझे मैंने SSP से भी पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट बोल दिया है कि इसमें कोई लापरवाही इन्वेस्टिगेशन में नहीं होनी चाहिए। और चूंकि इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, हमारा कानून व्यवस्था भी डिस्टर्ब हुई इस घटना से, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, इसलिए स्पष्ट ये NSA का केस बनता है जो हम इस पर लगाने जा रहे हैं। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए थे अलीगढ़ के DM, जिनका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 3 लाख रुपया दिया गया है सरकारी फंड से, उसके अलावा जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा।